वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है एमेजॉन हॉल एंड काफी टाइम के बाद मैं आपके लिए अमेजॉन हॉल लेके आई हूँ एंड वाइज आज के अमेजॉन हॉल में आपको सभी कुछ मिक्स में देखने को मिलेगा जिन जिन आउटफिट्स के लिए आपने मुझे बोला था वो सब कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी एंड इन सबको परचेज करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही लिंक मिलेगा माई हॉल स्टोर के नाम से जस्ट आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आप वहाँ से उन सारी चीजों को परचेज कर सकती हो जो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे होगा क्या कि आपके लिए शॉपिंग करना ईजी हो जाएगा जस्ट आपको एक लिंक पे क्लिक करना है और सारे प्रोडक्ट आपको एक साथ देखने को मिलेगा चलिए तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर मैंने पिक किया है अबकी बार amazon से वो है ये वाली ग्राउंड में काफी टाइम से सोच रही थी ये वाली ग्राउंड पिक करने के लिए पर इसमें मुझे साइज ही नहीं मिल रहा था और अभी भी नहीं मिला है तो मैंने एक बड़ा साइज दो बड़े साइज परचेज कर लिए यानी कि l साइज परचेस कर लिया मेरे स्मॉल आता मैंने सोचा अगर थर्टी डेज में अवेलेबल हुआ तो मैं एक्सचेंज करा लूंगी नहीं हुआ तो फिर ठीक है देखती हूँ मैं ऑल्टर कराऊंगी और क्या तो ये इस तरीके की आपको गाउन मिलेगी ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी यार इस गाउन को परचेज करने की ये है फ्रॉम दी ब्रांड इंडिया एंड इस तरीके का आपको इसमें लुक मिल जाएगा मैं साइड में इमेज लगाऊंगी बहुत ही प्यारी सी एंड एलिगेंट सी गाउन है ये वाली एंड पूरी आपको ये वाला नीचे का जो फैब्रिक है फुल सिल्क फैब्रिक मिलेगा बिल्कुल प्लेन गाउन है आप कलर देख लो पहले उसमें पीच 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 शेड से कलर 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 होता है 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 उसमें कुछ 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 ब्राउन ब्राउन और में भी भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं एग्जैक्ट तो कुछ इस तरीके का आपको जो एग्जैक्ट वीडियो में दिख रहा है वही वाला सेम कलर मिलेगा इसमें आपको एक नेवी ब्लू कलर और मिल जाएगा आप वो वाला परचेज करना चाहो वो वाला भी कर सकते हो एफ ये वाले गाउन आपको वन शोल्डर गाउन मिल जाएगी एंड यहाँ पे इन्होंने स्ट्रैप दी हुई है ट्रांसपेरेंट इलास्टिक हुआ है इसमें ये वाला शोल्डर आपको फुल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी थ्री फोर स्लीव ये पूरा जो ऊपर का पार्ट इन्होंने दिया हुआ है ये पूरा नेट का है प्लस इसमें आप देख लो सिक्वेंस लगाए हुए हैं क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज ब्रांड इंडिया की है तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है प्राइस में भी मुझे थोड़ा सही मिल रही थी इसलिए मैंने परचेस कर ली वैसे काफी कॉस्टली आते हैं इंडिया के आउटफिट्स तो जल्दी से मैं भी बाय नहीं करती हूँ जब कोई सेल चल रही होती है या फिर किसी पर कुछ ऑफ चल रहा होता है तो ही मैं वो चीजें परचेज करती हूँ तो इस तरीके की आपको फुल पार्टी पार्टीवेयर गाउन मिलेगी लेंथ फुल लेंथ है साइज मैंने इसमें लार्ज परचेज किया है एंड विदाउट पैड मिलेगी ये पैडेड वाली गाउन नहीं है किसी भी पार्टी फंक्शन ऑफिसन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है एडेड में वेडिंग

बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली साड़ी प्लस कलर टील ग्रीन कलर है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था आप, आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी लुक एट दिस साड़ी ये इन्होंने यहां पे लेस लगाई हुई है जो कि बहुत ही प्यारी सी लेस है पूरे पे आपको इस तरीके का गोल्डन प्रिंट देखने को मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं कि आप इन साड़ी को डेली वेयर में पहनोगे तो बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि दी ये गोल्डन प्रिंट चले जाएगा क्या अगर आप इसे ईजी हैंड से वॉश करते हो तो नहीं जाता वैसे भी ऐसी साड़ियां ऐसी होती है चाहे प्राइस कम हो लेकिन फुल पार्टीवेयर साड़ी तो है ही तो तो ये साड़ी आप कभी कभी पहनते हो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड पूरी साड़ी पे आपको ये वाला गोल्डन प्रिंट देखने को मिलेगा पूरी साड़ी पे ये एग्जैक्ट गोल्डन कलर का प्रिंट नहीं है ये थोड़े कॉपर कलर में थोड़ा शेड आ रहा है तो इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एंड ये पूरी टील कलर की आपको साड़ी मिलेगी फुल में आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा एज इट इज लेस भी नो इसमें नीचे की साइड पूरे में लगाया हुआ है पूरी फाइव फाइव मीटर की साड़ी है प्लस इसमें गोल्डन कलर का ये वाला ब्लाउज दिया गया है शिमर वाला तो अगर आप चाहो तो स्टिच करा सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है या फिर आप इसमें भी कुछ मिक्स करके डिजाइनर ब्लाउज क्रिएट कर सकते हो बहुत सुंदर लुक आएगा तो ये वाली साड़ी मुझे इतनी प्यारी लग रही थी एंड इसका जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट फैब्रिक फैब्रिक है है बिल्कुल सिल्क में है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो डेफिनेटली परचेज कर सकती हूँ लाइट वेट होने के साथ साथ इन अफोर्डेबल प्राइस में पूरी पार्टी पार्टीवेयर साड़ी है तो हाईली रिकमेंड कर रही हूँ आप इस साड़ी को डेफिनेटली परचेज करना बहुत ब्यूटीफुल लगेगी पहनने के बाद तो ये थी नेक्स्ट आउटफिट जो अब बार मैंने अमेजोन से पिक किया है नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है ये वाली ड्रेस आप साइड में इमेज देखना है ड्रेस की फुल बहुत ही सुंदर सी एक वियर ड्रेस है ब्लैक कलर की और मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहती थी, थी कोई ऐसी ड्रेस परचेज करूँ ब्लैक कलर की जो वन पीस चाहती थी मतलब ड्रेस परचेज करूँ प्लस वो बिल्कुल सिंपल हो उसमें और कोई कलर कॉम्बिनेशन ना हो तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली ड्रेस यहाँ पे मिल गई एमेजोन पे एंड लुक एट दिस ये वाली कलर ये वाली ड्रेस देखने में जितनी सिंपल लग रही है पहनने के बाद इसका तो लुक उतना ही अच्छा आएगा अगर आप बिल्कुल एलिगेंट ड्रेस पहनना चाहते हो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी भी फैशन आउट भी नहीं होती है और पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आता है कैसे भी कुछ भी अगर आप किसी बाहर जा रहे हो वैकेशन पे जा रहे हो उस अकॉर्डिंग में अच्छी लगती है किसी की पार्टी में जा रहे हो तो इसे हैवी से क्लच के साथ और एक अच्छे से डिजाइनर सैडल के साथ कैरी कर सकते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लुक आएगा तो दोनों तरीके से यूज़ हो जाती है एंड इसमें आपको इस तरीके की नेट देखने को मिल जाएगी स्लीव आपको यहाँ तक की देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है सबसे अच्छा इसका मुझे फैब्रिक लगा काफ़ी ज़्यादा थिक फैब्रिक है लाइक लाइट वेट तो है ही पर थिक फैब्रिक है इसमें जो मैंने साइज़ परचेज किया है वो है स्मॉल स्मॉल साइज में मेरे थोड़ा सा लूज है तो अगर आपके तो आप स्मॉल में जाइए मे भी आपको इसमें एक छोटा साइज परचेज करना पड़ेगा तो इस तरीके की आपको ये ब्लैक वाली ड्रेस मिल जाएगी बैक की साइड इन्होंने पूरा चैन दिया हुआ है जो यहां से खुलता है एंड पूरी लेंथ ड्रेस है ये वाली फ्लेयर आप देख सकते हो काफी ब्यूटिफुल है डेफिनेटली हाईली रिकमेंड कर रही हूँ बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी पहनने के बाद तो मुझे ये वाली ड्रेस बहुत प्यारी लगी में। तो नेक्स्ट मैंने ये बाई की है अब जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने बाय की बाय की है वो है ये डेनिम ड्रेस और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक डैनिंग की ड्रेस बाय करने का और शायद मे बी आउट ऑफ स्टॉक है अब आप एक बार देख लेना मैं लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं अमेजोन पे तो आप परचेज़ कर सकते हो ये पूरी आपको इस तरीके की डैनिंग ड्रेस देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देखो इसमें ये कॉलर वाली है यहाँ से चैन स्टार्ट होती है जो चैन है पूरी नीचे तक जाती है नी से थोड़ी सी ऊपर आएगी ये तो आप अपने करना। दूसरी ये भी वाली ड्रेस है यहाँ पे आप देखोगे ना वेस्ट पे इलास्टिक लड़वा हुआ है तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है पहनने के बाद जो इसकी फिटिंग है वो काफी अच्छी आ रही है नी लेंथ से थोड़ी सी ऊपर है फैब्रिक वाइज बहुत अच्छी है बहुत क्लासी सी ड्रेस है और डैनिम है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है और समर्स वगैरह के अकॉर्डिंग काफ़ी कूल ड्रेस है तो इसलिए वाली ड्रेस मैंने बाय की है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है तो नेक्स्ट मैंने ये वाली ड्रेस बाय की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी अब जो नेक्स्ट मैंने बाय किया है वो है ये वाला प्लाजो आपने देखा होगा मैं बहुत सारी वीडियो में एक वाइट प्लाजो कैरी करती हूँ वो तो मैंने बिग बाजार से परचेज़ किया था एंड उसमें वो शिफोन से फेब्रिक हुआ बस उस टाइम मैंने एक ही परचेज़ किया और उसके बाद वो मुझे प्लाजो उस तरीके का कहीं पे भी नहीं मिला बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने से परचेस किया तो बिग बाजार से परचेस किया था मुझे भी नहीं मिल रहा है मैं भी और पीस लेना चाहती हूं उनमें तो ये वाला प्लाजो मुझे कुछ कुछ वैसा लग रहा था तो मेरे पास ब्लैक कलर का प्लाजो भी नहीं था प्लाजो है स्ट्रेट वाले हैं पर मुझे चाहिए थे फुल फ्लेयर वाले जिसमें इतना ज्यादा फ्लेयर हो क्योंकि मुझे फ्लेयर प्लाजो बहुत अच्छे लगते हैं ये फैब्रिक एज इट इज वैसा नहीं है वो थोड़ा लाइनिंग में फैब्रिक था शिफोन टाइप में ये पूरा आपको कॉटन में रेल में फैब्रिक मिल जाएगा पर अच्छा है फ्लेयर प्लाजो है उस अकॉर्डिंग अच्छा लगा मुझे नीचे की साइड आपको इस तरीके का एक गोटा लगाया हुआ है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इलास्टिक वाला है और मे बी इसमें मैंने जो साइज़ परचेज किया है वो है एल साइज आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना साइज चार्ट दिए हुए हैं कलर ऑप्शन भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे अमेजोन पे आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्लस वो वाला प्लाजो मेरे एट हंड्रेड एट के आसपास है ये वाला उतना कॉस्टली भी नहीं है कि आपको फाइव हंड्रेड के आसपास है उस अराउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ब्लैक प्लाजो सभी ड्रेसेस कुर्ते किसी के साथ भी आप पेयरअप कर सकते हो काफी अच्छा सा प्लाजो है मेरे पास नहीं थे। थे, अब वो बार बार पहन लिए तो मैं चाहती थी कुछ नया परचेज करना तो मैंने ये यू बेला के परचेज किया यू बेला की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगती है मैंने आपको पहले बताया जवेरी पर्ल हो गए यू बेला हो गई ये मेरी फेवरेट ब्रांड्स हैं जो मुझे ज्वेलरी में काफी अच्छे लगते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस में भी आ जाते हैं तो यूला में आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगी ये वाली और आप देख सकते हो ये वाला मैंने अभी ये सेट पहना हुआ है ये मैंने ऑलरेडी पहन लिया है इसमें से तो ये इस तरीके की आपको ये चूड़िया देखने को मिल जाएगी बहुत ही प्यारे से बैंगल्स है लुक दिस मैं पास से दिखाती हूँ ये पूरा आपको आप चाहो तो इसे दो सेट बना के भी पेयरअप कर सकते हो बाकी ये एक हैंड के लिए आया है प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है एंड क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है तो इस तरीके की आपको ये बैंडवल्स मिल जाएंगे मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे मैं चाहती थी कुछ ऐसे बैंडल्स परचेज करना तो मैंने ये वाले बैंडल्स परचेज किए एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है दो छः आप अपने अकॉर्डिंग साइज शॉट देख के परचेज करना मेरे देखो दो छः फिक्स आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग तो ये था लास्ट आइटम जो मैंने यहाँ से आपकी बात पिक किया है तो बाइज़ आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर चल रहा है गीवा वे अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज कभी भी मैं विनर्स अनाउंस कर सकती हूँ तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग